स्वागत करूंगा। गोयल साहब हमारे बीच में आ गए हैं, हमारे परिवार बिहार प्रभारी माननीय गोयल साहब। राहुल गांधी जी, शक्ति सिंह गोयल, हमारे बीच में आ गए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा अपने अपना स्थान ग्रहण कर ले, जो जो भी आग्रह है, मैं निवेदन है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। टीपू दोस्तों, जिनकी प्रतीक्षा में आप काफी लंबे समय से यहाँ थे, उनका आगमन हो चुका है। इस सभागार में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों का आगमन इस सभागार में हो चुका है। आप सबों से विनम्र निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी कार्यकर्ता आगे आए हैं, मंच पर अपना अपना स्थान सम्मानित नेताओं से कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें। हॉल के अंदर जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, उनसे आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अररिया के सम्मानित विधायक भाई आबिदुर रहमान जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आप सबों को अपनी वाणी से आप सबों का हौसला अफजाई करें। माननीय विधायक आबिदुर रहमान जी, आदरणीय शशि भूषण जहांगीरसभा के अध्यक्ष हमारे भाई अनिल सिन्हा जी, हमारे प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शक्ति सिंह गोयल साहब, भगवान ने शक्ति भी दी है और क्षमता भी दी है और ये हम लोगों के बीच अभी बता रहे हैं। और हमारे बीच माननीय अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुनहरी यादों को रहने दो, जुबा पर हर वक्त मिठास रहने दो, न खुद रहो उदास न किसी को उदास रहने दो। मैं आमंत्रित करता हूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी को, वो आए हम सबको समझते हैं। डॉक्टर मदन मोहन झा जी, मंचा सिंह हमारे
राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शक्ति सिंह गोयल जिंदाबाद, धन्यवाद। आदरणीय हमारे मंचासीन बिहार के कर्मठ और कुशल प्रभारी शक्ति सिंह गोयल साहब, हमारे बीच हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक शकील अहमद खान साहब, हमारे विधायक अबीदुर रहमान साहब, हमारे दूसरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जावेद जी, हमारे साथी विधायक आफाक जी, हमारे साथी और हमारे साथ काम करने वाले हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कौकब साहब, हमारे बीच चारों जिला से आए हुए अध्यक्ष प्रेम जी, आप हेलो पूनम जी विधायिका पूनम जी, आप छूट गई थी, और यहाँ उपस्थित हमारे चारों विधायक, अन्य आए हुए चारों जिला से हमारे बाबागंज मित्रों साथियों, जिनका नाम छूट गया, हमारे एक विधायक भी हैं यहाँ पर, इंदिरा बाबू हैं, अमरनाथ तिवारी जी हैं और अन्य लोग हैं। मैं सबसे माफ़ी मांग के खाली एक कहना चाहता हूँ, मैं दो शब्द आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ। मैं इससे पहले भी अररिया लगता है 10-15 दिन पहले आया था, आप लोगों से संबोधित करके यहाँ से गए थे। मेरे आने का एकमात्र उद्देश्य अभी परमंडलीय सम्मेलन तो है ही, और आज जिस मकसद से हम लोग घूम रहे हैं बहुत जगह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बहुत दिनों के बाद हमारे प्रभारी के आग्रह पर और यहाँ के प्रखंड से लेके केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके इच्छा को देखते हुए राहुल गांधी से आग्रह किया था समय देने के लिए। राहुल गांधी जी ने कृपा पूर्वक 3 फरवरी को समय दिया है, उसमें आप लोगों से मैं आमंत्रित करने आया हूँ, जो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ आकर के उनके भाषण को सुने। और मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, कठिनाई होगी, यहाँ से जाने में भी कठिनाई होगी, हम लोग को जो संभव है वो रहने का भी व्यवस्था करेंगे और जो व्यवस्था हो वो हम सब लोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी उम्र है उसमें 1-2 दिन अगर कष्ट भी पार्टी के लिए उठाइए, 5 साल तक अपना अच्छा जीवन जीने के लिए, इस बेईमान सरकार को हटाने के लिए और उनके मॉरल को हाई करने के लिए अगर 1 दिन आपको कष्ट भी उठाना पड़े तो आपसे ये भी आग्रह करेंगे, जो आदमी ले जाएंगे उनको अब्यूज नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि समझेंगे सब मेरा काम है, सब लोग को मिलजुल के ये काम करना है, एक आदमी से ये संभव नहीं है, आसान है। अब मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के प्रभारी परम आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह हम सब का हौसला अफजाई करें। मैं मेरी बात की शुरुआत करूं उससे पहले आप सबका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत आने में देरी हुई, 1.5 घंटा लेट हम आए, पर आपका जज्बा और प्यार वही बना रहा है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू भैया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी,
कार्यकारी अध्यक्ष एवं इसी कमिश्नरी के इंचार्ज कोकब कादरी जी, AICC के हमारे साथी सेक्रेटरी एवं विधायक जनाब शकील खान साहब, जनाब मोहम्मद जावेद जी, जागृत युवा विधायक पूनम पासवान जी, जनाब अफाक आलम जी, जनाब आबिदुर रहमान जी, जनाब जहीदुर रहमान जी, इस कमिश्नरी के चारों डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल सिन्हा जी, इंदु सिन्हा जी, प्रेम राय जी और पिंटू जी, पूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी जी, इंद्रानंद यादव जी, ब्रजेश पांडे जी, अजय चौधरी जी, मंच पर बहुत सारे नेतागण बैठे हैं, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण और कांग्रेस परिवार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और युवा साथियों, मुझे यहां ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो कांग्रेस का बुरा वक्त आया या अच्छा वक्त आया, मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ अगर कोई क्षेत्र खड़ा रहा है तो आप सबका क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र से मुझे ज्यादा उम्मीद है। यहां पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, अभी उन्हीं में से एक नेता ने बहुत अच्छी बात की कि हम प्रभारी तो यहां के हैं पर इस क्षेत्र से काफी लोग पटना और आसपास में रहते हैं, जिनके रिश्तेदार और पहचान वाले, जिनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में हो, ऐसा वहां रहता हो, इतने लोग जरा हाथ खड़ा करेंगे, सब क्या है। तो क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूं कि आपके जितने रिश्तेदार पहचान वाले हैं उनको एक फोन करके आप निमंत्रण देंगे कि 3 फरवरी गांधी मैदान पटना में एक पाक साफ नेता जो दिल से मानता है वही बोलता है और बोलता है उसको करके दिखाता है, ऐसे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो वहां आने का इनविटेशन, क्योंकि आप कांग्रेस परिवार के सदस्य हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप निमंत्रित करें और लोगों को, तो आप इसका उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आए, और जितनी मजबूती राहुल गांधी जी की रैली में गांधी मैदान में दिखेगी उतनी कांग्रेस बिहार में और मजबूत होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर कि कांग्रेस पार्टी की ताकत को नजरअंदाज कर पाए। ये काम हम सबको मिलके करना है। देश में आज जो प्रशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ शासन चाहिए, इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता चाहिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें हमारा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें इस देश को एक अखंडित रखना है, हमें इस देश के संविधान को बचाना है और इसके लिए इनको हटाना जरूरी है। अगर हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे, दुआ भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, देश के लिए करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जुमलेबाज जाएं और सच्चे दिन आए। एक और राहुल गांधी जी है जो चुनाव के वक्त बोले थे कि आप मुझे वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दीजिए, सरकार बनेगी, किसान का कर्जा माफ होगा, 10 दिन में करेंगे, ये कहा था। 3 राज्यों में सरकार बनी, 10 दिन नहीं होने दिए, 3 दिन में मुख्यमंत्री ने अगर पहला सिग्नेचर फाइल पे किया तो किसान का कर्जा माफ किया।
ये राहुल गांधी जी है। और दूसरी बार 2014 में आए थे ने, जहां गए वहां ख्वाबों की बारिश की। मित्रों, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाइयों बहनों, किसान को दाम नहीं मिलता, मेरा दिल जलता है। बहुत बड़ी बातें की थी। अरे अब बिहार में रोजगार खुल जाएगा, 2 करोड़ नई नौकरियां आएगी देश में हर साल। अब मेरा बिहारी कोई मुंबई में या अहमदाबाद में नौकरी के लिए नहीं जाएगा, कहा था ना। पर चुनाव के बाद उसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं वो तो सिर्फ जुमले होते हैं, वो काम थोड़ी करना होगा। अब इनको समझना होगा, ये इस देश की चिंता नहीं करते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, उसे तो अपनी वोट बैंक भरे, उसी में उसका सब कुछ रहता है। ये न है राम के, ये न है रहीम के, ये है तो सिर्फ अपनी खुद गर्जी के है। इनको पहचानना होगा। ये देश अगर आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, तब जाके देश आजाद हुआ। और आप इतिहास देख लो, जब जब भी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो क्रिकेट की टीम में हिंदू भी रहा है, मुसलमान भी रहा है, अजरुद्दीन भी रहा होगा, इरफान खान भी रहा होगा, तो युवराज और सचिन तेंदुलकर रहा होगा, तब ये साथ मिलके हम वर्ल्ड कप जीत के आए। अगर इसको तोड़ देंगे तो देश टूटेगा। पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं है, मोदी को कोई लेना देना नहीं है। देश का जो होना है वो हो, मेरा शासन टिका रहे, यही इसका सिद्धांत है। यहां शकील भाई सही कह रहे थे कि चौकीदार खुद चोर है। जिन लोगों को नाम से जानते थे, हमने वीडियो जारी किया, ये मेहुल भाई चौकसी मेरे भाई है, प्रधानमंत्री कहता है, और पूरे गुजरात से, बंबई से, साउथ से प्रधानमंत्री को कहा गया था कि मालिया की तरफ मेहुल चौकसी लूट के भाग जाएगा, पर उसको पकड़ा नहीं, लूट के जाने दिया। एक कैसा चौकीदार है। हमें लोगों के बीच जाके कहना होगा, सच्चाई बतानी होगी, और वो कांग्रेस कार्यकर्ता कर सकता है। जब लगाव होता है, जब जज्बा होता है, जब जाने की तैयारी होती है, तो मैं कहता हूं कि कोई किलोमीटर बीच में नहीं आता है। पूरी रात भी जग के यहां से हर कार्यकर्ता बिहार से गांधी मैदान के पटना में, गांधी मैदान में राहुल गांधी जी को मिलने के लिए आने में कोई दूरी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कोई दूरी होगी। क्या आपको दूर लगता है राहुल गांधी जी को मिलने के लिए पटना आना? जरा जोर से तो कहिए। कम से कम यहां बैठे हैं वो, 10 दोस्तों को या परिवार के मित्रों को कहे कि हम पटना चलेंगे, गांधी मैदान में जाएंगे, और हम निकलेंगे तो एक जज्बे के साथ जाएंगे, झंडा लेके जाएंगे, और आज ये साबित करके बता देंगे कि पटना में पूर्णिया कमिश्नरी का रिप्रेजेंटेशन भी दिख सकता है, ज्यादा दिख सकता है, ताकतवर दिख सकता है। आज मैं हमारे पाक साफ बुजुर्ग नेता, जिन्होंने संसद में एक भले इंसान के नाते अपनी एक छवि बनाई थी, ऐसे मौलाना असरुल हक साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं आज उनके परिवार को
श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए गया था। मैं उनकी कब्र पे जाके माथा टेकने के लिए गया था, क्योंकि वो भी हमारे एक परिवार के मुखिया थे, इसी कमिश्नरी के। आने वाले दिनों में कांग्रेस का सही कार्यकर्ता वही है जो इसे पहचानता है, हाथ के निशान को, और जो विचारधारा को मानता है। अपना घर होता है ना, घर के मुखिया होते हैं, वो तय करते हैं कि इस बार इसकी शादी है। जवान लड़के तीन चार हो गए हैं, पर घर में जो मुखिया है उसने तय किया कि इस साल इसकी शादी है, तो परिवार में क्या बाकी भाई बचे हैं वो डिसिडेंट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, क्या मुखिया के खिलाफ होते हैं? खानदान परिवार में ये नहीं होता है। खानदान परिवार वो होता है कि मुखिया ने तय कर दिया कि इसकी शादी है, तो बाकी के भाई जाके कहते हैं कि तुम तो दूल्हे राजा हो, अब तुम्हें काम नहीं करना है, हम है ना, हम करके दिखाएंगे घर का काम। ये परिवार होता है जो खानदान परिवार होता है। फिर दूसरे बेटे बचे होते हैं, मुखिया उसका भी ख्याल रखते हैं ना घर में, उसको कहीं ना कहीं लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारा एक सबसे बड़ा परिवार है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे जो प्यार आपने दिया है वो एक परिवार के नाते आप सबका प्यार है, और इस यहां मिले हर फूल की हर पंखड़ी मैं आप सबको समर्पित करके आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और गुजारिश करता हूं कि यहां से जो भी लड़े हमारा लड़ रहा है, और उसको जीत दिलाने का काम हमारा है। हम खानदान परिवार के सदस्य हैं, और कोई बड़ा भी आके कहे तो छोटा कार्यकर्ता भी उसको मुंह पे बोल दे कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हाथ के निशान पे लड़ रहे हैं, हम राहुल गांधी जी के लिए लड़ रहे हैं, हम पक पार्टी के खिलाफ गद्दारी करे वो हम नहीं कर सकते हैं। ये जज्बा यहां से बनेगा, इसका विश्वास है। 3 फरवरी की रैली का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, आपके नाम से होर्डिंग लगाइए, कहीं पे ऐसा मोहल्ला है उर्दू में लगाइए, जरूरत जहां है हिंदी में लगाइए, राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाइए, अपना नीचे नाम लिखना है आप लिखिए, पर 3 फरवरी को गांधी मैदान में आने के लिए हर गांव, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में हमारे पोस्टर, हमारे होर्डिंग्स, हमारे बैनर्स जरूर लगने चाहिए। अपनी गाड़ी है उसके पीछे लगा सकते हैं, अपने रिश्तेदार की रिक्शो चल रही है उसके पीछे लगा सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं। 3 फरवरी का माहौल पूर्णिया कमिश्नरी में सबसे ज्यादा बने, ये आप सबसे गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जी दूसरे को देने नहीं जा रहे हैं, वो सब सीट कांग्रेस को ही मिलेगा, ये मेरा पूरा वादा है। यही कहकर मैं अपनी बात को साफ करते हैं, जय हिंद जय भारत। अब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष महोदय ने 2 पर्यवेक्षक यहाँ नियुक्त किए हैं, भाई इंतखाब आलम जी को और रिपु दहन शर्मा जी को। भाई इंतखाब आलम जी से आग्रह है कि वो आए और चंद शब्दों में अपनी बात को आपके बीच रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश भर के नेता और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, बिहार के इंचार्ज, विपक्ष के नेता गुजरात के रहे, अनुभव से लैस आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, AICC के सचिव भाई शकील खान साहब, भाई जावेद साहब, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी,
कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी साहब और इस परमंडल के प्रभारी, मंच पर बैठे हमारे सम्मानित विधायक आबिदुर रहमान साहब, आफाक खान साहब, सम्मानित जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा जी, प्रेम राय जी, हमारे पूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी जी, गुलाम हुसैन साहब और विभिन्न पूरे परमंडल से आए कांग्रेस की रीढ़। इस इलाके में काफी पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए थे, आज उस कमी को पूरा करने का काम किया है तमाम नेताओं के आने से। हम चर्चा इस मीटिंग से इसमें हो रही है कि गांधी मैदान कैसे भरा जाए। निश्चित सबको इसका दर्द है, सबको इसकी फिक्र है, लेकिन अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से जो मुझे पर्यवेक्षक इस जिला का बनाया गया और ये कहा कि कितनी बसें जाएंगी, तो मुझे हमको अपने आप में, चूंकि जो हालात ऐसे बने थे कि कितनी बसें जाएंगी, चूंकि एक ये 350 और 400 किलोमीटर दूर का इलाका रहा इस हिमाचल का, इस इलाके के लोग पूर्णिया कमिश्नरी के लोग पटना में बे इंतहा रहते हैं। भाई जावेद साहब ने जिसका जिक्र किया, हमने सर्वे अगर किया है तो 70-80 हजार 90 हजार स्टूडेंट पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार के लोग रहते हैं। हम अगर 30 और 40 किलोमीटर के गोलबंदी में अगर पटना को नर्स करें और तमाम चीजों को उसको अपनी उपलब्धि दिखाएं कि गांधी मैदान पहुंचना है तो अशोक राजपथ से, कंकड़बाग से, बेली रोड से, दानापुर से, मनेर से और इन तमाम इलाके से भरने का काम करेंगे। लेकिन इस इलाके में कुछ इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता है जो कांग्रेस की रीढ़ है। भाई अबिदुर रहमान साहब ने कहा कि इलाका कांग्रेस में रहा है, निश्चित तौर पर यह पूरा सीमांचल, जहां सीमांचल में कांग्रेस का एक जत्था रहने का काम होता था कि प्रखंडों को और जिलों में जिस तरह से जिम्मेदारी दे दिया जा रहा है, उसको आर्थिक सहायता के रूप में बसों की व्यवस्था के लिए एक बस इस इलाके से हम ले जाते हैं तो 25,000 रुपए खर्च होता है और मात्र 50 आदमी इस बस में जाता है। वैसे अगर जिला में अगर 5-5, 10-10, 15-15 बस जाते हैं तो 5,000-7,000 लोग जाता है, लेकिन अगर उसी इसी इलाके के वो 5,000 लोगों को अगर आप गांधी मैदान भरने के लिए वो तमाम जवाबदेही दे दीजिए पटना में, जो वहां 70-80-90 हजार 1 लाख लोग रहते हैं, उनको वो पहुंचाने के लिए इस इलाके के सम्मानित विधायक हैं, 4-4 से 6-7 विधायक हैं, हमारे पूनम पासवान जी इसी इलाके से हैं, हमारे शकील साहब हैं, आबिदुर रहमान साहब हैं, आफाक साहब हैं, जावेद साहब हैं, भाई तौसीफ साहब हैं, भाई जलील मस्ताने हैं, लोग चाहेंगे तो उस इलाके से गांधी मैदान को भरना आसान है। और हालात ऐसे हैं, लोग करवट ले रहा है, कांग्रेस की ओर लोग मुड़ चुका है। सबसे अच्छा आज फैसला जो आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम इस मंच से भी प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहते हैं जो पार्टी की जनरल सेक्रेटरी बने हैं और इंचार्ज उत्तर प्रदेश की बने हैं, और सिंधिया जी को भी बनाया गया है। ये एक बड़ा फैसला है जो हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह को चौक करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। हमको जो आदेश होगा, जो आप हमको कहेंगे, जिन मकारने से हमारे इसे संचालन करता अजय चौधरी जी जो काफी इसमें लगे हैं, भाई जिनका हम नाम नहीं ले सके, हमारे पर्यवेक्षक साथ में हैं, रिपुदमन शर्मा जी, सुनील जी हैं, भाई आजा शत्रु जी लगातार संघर्ष कर रहे सुपौल में, मनीष यादव जी हैं, हमारे सदर आलम साहब हैं, अनीस बिरंदर जी हैं, ये तमाम लोग जिस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं लग करके अपनी बात को मना रहे हैं। और आपको निराश नहीं होगी, कोसी का एक मिसाल रहेगा पटना के गांधी मैदान में। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज। किसी ने ठीक ही कहा है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान नौजवान कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय कौकब कादरी जी को, वो आए और अपनी वाणी से हम सबका हौसला अफजाई करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के
हमारे सूबे बिहार के सम्मानित प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे बीच बैठे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, आज मैं अपना समय दान करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की कमी है, ठंड का मौसम है, काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ बैठे हैं और सचमुच में हमारे कई साथी जो पटना से चल करके यहाँ आए थे उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी को और अध्यक्ष जी को सुनना चाहते थे, आप लंबे समय से यहाँ बैठे, एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम निवेदन करना चाहेंगे कि फिर दोबारा जब आपके पास आएंगे तो सांगठनिक मामलों को लेकर के हम आपस में बैठक करेंगे, बातें करेंगे। 3 तारीख का जो दिन हम लोगों ने चुना है आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, वो सचमुच में हमारे लिए हर्षोल्लास का माहौल बनाता है और मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेसी जितने लोग हैं, हमारे कांग्रेसियों के लिए ये महापर्व जैसा है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन और विनती करता हूँ कि काफी उम्मीद के साथ हम लोगों ने सच में यहाँ प्रमंडल की बैठक रखी आज, और इसी उम्मीद के साथ कि आप तमाम इस प्रमंडल के जो लोग हैं, जितने जिला हैं, काफी मजबूत हैं, हमारे सम्मानित विधायकगण यहाँ से आते हैं, हमारे सांसद हुआ करते थे, इसलिए काफी उम्मीदें हमें हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 3 तारीख की जो हमारी आकांक्षा रैली है उसमें आपकी भागीदारी होगी, साझेदारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इस कार्यक्रम का मकसद बताया क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज अररिया में कांग्रेस पार्टी की बात आवाम तक पहुँच सके, इसलिए जो मीडिया के साथ ही यहाँ आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पूरे देश में भाजपा और मोदी जी के खिलाफ एक लहर बनी हुई है। 2014 में सपनों के सौदागर की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, ख्वाब दिखाए। जमीनी सच्चाई ये है कि आज हर मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, मोदी जी ने, अमित शाह ने पूरी ताकत लगाई, गवर्नमेंट मशीनरी का भी इतना ही मिसयूज हुआ, पर लोकतंत्र में आखिर में जनता के आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है और 3 बड़े राज्यों में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। बिहार कांग्रेस का गढ़ हुआ करता है, कुछ ना कुछ कारण रहे। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हुए, पर आज फिर से बिहार में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और बिहार की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस मजबूती के साथ विरोधी दल के नाते बाहर आ रही है। लोगों की आकांक्षा है कि अपने काम हो, और राहुल गांधी जी ने जैसे 3 राज्यों में किया चुनाव से पहले जो कहा वो करके दिखाया, और भाजपा ने कहा कि चुनाव के वक्त हम कहते वो जुमले होते, किसान का कर्जा माफ करने की बात की थी, 10 दिन का वायदा किया था पर 3 दिन में वो करके दिखाया। तो बिहार में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बिहार के लोगों को भी आकांक्षा है। हम गांधी मैदान में काफ़ी सालों से, मुझे बताया गया कि 28 साल हो गए हमारी जनसभा नहीं हुई। 3 फरवरी को सुबह 11 बजे पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी जी आएंगे, हमारी जनसभा को कांग्रेस पार्टी ये जनसभा करेगी, और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि 3 फरवरी को आए पटना के गांधी मैदान में, राहुल गांधी जी को देखने, मिलने और सुनने का मौका है, उसका लाभ आज हमारी पूर्णिया कमिश्नरी के नेताओं के साथ ये अररिया में हमने बैठक की है। ये क्षेत्र, ये कमिश्नरी कांग्रेस के बुरे वक्त में भी कांग्रेस के साथ खड़ी रही है, यहाँ के लोग कांग्रेस के साथ हर वक्त रहे हैं। मैं इन लोगों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी भले ही दूरी है
परदूरी कोई बाधा नहीं होगी और यहाँ से ज़्यादा लोग गांधी मैदान में पटना आएंगे। क्या इस कार्यक्रम में महागठबंधन के लोग भी शामिल होंगे? कांग्रेस पार्टी की ये रैली है और उस रैली में हमारे साथियों को हमने निमंत्रित किया है, आरजेडी के तेजस्वी जी, हम पार्टी के मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी, ये सब हमारे साथी विचारधारा से जुड़े हुए नेता कांग्रेस पार्टी की महारैली में मौजूद रहे। सर एक बात और है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जो आपको आप लोगों को अखिलेश से नाता तोड़ना पड़ा? देखिए, हमने कोई नाता नहीं तोड़ा है। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा के लोग साथ मिले और अभी दो सीट दे रहे हैं सिर्फ, तब आप लोग अपना अपने आप को। देखिए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। अगर कांग्रेस को कोई भी कहीं पर भी, आप जानते हो उत्तर प्रदेश में भी हमारे जितने परसेंटेज वोट्स थे इसको नकार कोई नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश के हर गांव में मौजूद है और अगर फिर कोई चारा ही नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे जरूर वहाँ चुनाव करेगी। सर और है कि अभी जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस कई सीटों पर बिहार में दावा भी कर रही है, क्या लगता है कि महागठबंधन से इस तरह से आपको सफलता मिलेगी? देखिए, हमारा आपसी लड़ाई वाला कोई मामला नहीं, हम चाहते हैं कि 400 सीटों पे महागठबंधन के हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीते और उसी की मेहनत होगी। भाजपा में बड़ा भाई छोटा भाई, इसको काटो उसको काटो हो सकता है, हमारे वहाँ वो नहीं है और मुझे विश्वास है कि हम सब साथ मिलके सही वक्त पे सही फैसले करने में कामयाब होंगे। एक बात और, अभी जिस तरह से मोदी सरकार ने आरक्षण देने की बात कही है, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक साजिश थी, चाल थी। मोदी जी अगर किसी को भी देना चाहते हैं या दिया तो अपने साथियों को दिया, ना वो किसी जाति से प्यार है ना किसी प्रांत से प्यार है, ये इनकी साजिश थी। बिना सर्वे, बिना जाति का कोई भी प्रॉपर इकोनॉमिकल बैकवर्ड का डेटा नहीं और बिल लेके आ गए। वो मानते थे कि कांग्रेस इसका विरोध कर देगी और पार्टी विरोध कर देगी, बिल रुक जाएगा और फिर पूरे देश में मुहिम चलाएंगे कि देखो मैं तो आपके सवर्णों को मित्रों देना चाहता हूँ, ये नहीं देना चाहते। हमने उनकी सारी कमियाँ दिखाई और फिर बिल भी पास करवाए ताकि वो एक्सपोज हो जाए। वही मोदी जी है जो जनसभाओं में कहते थे कि 50% से ज़्यादा आरक्षण रिजर्वेशन वो बेईमानी है, हो ही नहीं सकता। अब मोदी जी खुद लेके आए तो अब बताएं कि अगर आप कर सकते हो तो ओबीसी को भी उसके जितने परसेंटेज है उतने दे दो। ये एक उनकी सोची समझी साजिश थी, अगर देना होता तो चुनाव जीते, पहले ही सेशन में ले आते। चुनाव के वक्त क्या कहते थे, मित्रों 100 दिन में करो, और अब जब 100 दिन भी बचे नहीं है तब सिर्फ जुमले दे। थैंक यू भैया। आपने भाजपा के लोगों का कहना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़े, देश की जनता ने राहुल गांधी जी को नज़दीक से देखा और माना कि ये ऐसा नेता है जो मानता है वही बोलता है और बोलता है करके दिखाता। राहुल गांधी जी पे जनता का विश्वास बढ़ा। 3 राज्यों में अमित शाह और मोदी टोटल फेल हो गए, राहुल गांधी जी डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। वो एक कामयाब हुए नेता है। हम चाहते हैं जिन जिन की भी ताकत है वो कांग्रेस के साथ लगे, क्योंकि इस देश में संविधान को बचाना है, इस देश को टूटते बचाना है, किसान को बचाना है, छोटे दुकानदार छोटे कामदार को बचाना है, तो भाजपा को हटाना होगा।
तो हम कहीं ना कहीं हमारा प्लस करते हैं, इसमें भाजपा को दिक्कत हो रही है ये जरूर। थैंक यू। जयत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविन उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल चितरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अगर आप अपने घर आंगन किचन बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार हैजा सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल, बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजा सीमेंट आर्टिकल, टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरवेस्ट कंट्रोल डोरिया सोनापुर अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है 8B चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर, इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।